तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बीम के बारे में, ठीक है, कैसे करते हैं। मोस्टली बच्चों का क्या रहता है, बीम में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे दो बच्चा जो इधर खड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों फौजी और मेरा टेस्ट ले रहे हैं, आ जाता पूरे पटी खड़ो, ठीक है, ये दोनों और मेरा टेस्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जाएगा बीम के नीचे जाने के लिए, सबसे पहले बीम के नीचे जाने का तरीका, आगे नहीं खड़ा होना है, अगे नहीं खड़ा होना बीम दे, ते बिल्कुल पीछे नहीं खड़ा होना, प्रॉपर बीम दे नीचे, ठीक है। बीम दे नीचे हो गया, इस दे ना की है थोड़ी बॉडी जी स्विंग ही नहीं करेगी, अगे पीछे हो गया ना थोड़ी बॉडी झूली जानी है, तो उन्होंने की करना थोड़ा खड़ा लेना, तो थोड़ा कहना कि रुक जाओ, ठीक है, पहला बॉडी स्विंग ही वेट करो, रुको, इस तो बैटर है तुम प्रॉपर बीम दे नीचे रहो, बॉडी फुल टाइट रखो, ठीक है। देखो इधर हूँ तरीका की है, चक दे फटे जाने, प्रॉपर ऊपर ग्रिपिंग, जब उन्होंने कहा अंडर ग्रिप आप उधर ऊपर करना, ठीक है, प्रॉपर एवं टाइट कर लिया, रस्ता जिंदे थोड़ी है प्रॉपर जिंदे, ठीक है। आज शोल्डर एवं टेले चलने के प्रॉपर टाइट समझेगा बॉडी, जो तो करेगा आप ठीक है। इस दे विच की है हुण, कई बार की हो जाता है इधर सिफर अंडर ग्रिप अप कर जोड़, कई बार क्या करते हैं फौजी, आपका इधर बीम का टेस्ट चल रहा है, रेडी अप डाउन अप डाउन अप, आपको उनकी मर्जी के बिना अप या डाउन नहीं होना है, ठीक है। जैसे ही वो बोलेंगे, जैसे ही कासे मिलेगा आपको, उसी हिसाब से होना है, वरना पॉइंट मिल जाएगा उनको, समझ आ गया। जैसे वो भी क्या करते हैं कई बार डाउन, ठीक है, ऐसे खड़ा है आपके तीन चार ही लगे अभी, और वो ऐसे बातें करने लगे, और भाई कैसा है, कैसे चल रहा है, सब ठीक है, ठीक है। आप उधर लटके हो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट आपने उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी ये चीज़ है ना जो, इसको टाइट रखना है प्रॉपर, इसको ढीला नहीं होना, छठी ढीला ढीला छठ, ऐसे छोड़ देना आपने ढीला, तो तीन से बाद आपका लगना मुश्किल है, दो तीन लगा पाओगे इसके बाद नहीं, आपको प्रॉपर टाइट करना है, टाइट बॉडी रेडी अप, ठीक है, मुश्किल लगता है थोड़ा, तो इसलिए बीम की तैयारी है जो प्रॉपर करें आप, ठीक है। ऐसा नहीं डाउन बॉडी नीचे जा, ऐसा नहीं है कि आपके पांच छह बीम लग रहे हैं और आप जा रहे हैं इंडियन आर्मी में, उसके बाद अगर ऐसा आपको कहीं मिल गया ना इंस्ट्रक्टर, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बीम में फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 12 से 15 बीम आपके भर्ती से पहले क्लियर होने चाहिए कि हाँ मैं लगा सकता हूँ, अगर रुको को रुक के भी लगाना पड़े तब भी आप लगा सकते हो, ठीक है। पार्टी सबको समझा गया, कोई गलती तो नहीं होगी, पॉइंट लोगे पूरे, शाबाश, चलो